हेलो, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और हम उम्र वालों को सभी को नमस्कार और छोटे बच्चों को या हमसे जो छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार। आज हम बात करने जा रहे हैं अंधेरे में उजाले का खोज। कैसे हम अंधेरे में उजाले की खोज करें, कैसे उजाला हमको मिले जब चारों तरफ से संकट से घिर जाएं, तो एकांत में जरा बैठें, किसी से बात मत करें और न ही अपने अंदर के दुख को किसी से व्यक्त करें, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ख़राब है। अगर जो आप अपने दुख को, चाहे जितना भी मित्र आपका हो, और उसके सामने कहोगे तो आपकी हंसी उड़ाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में सच्चे मित्र भी बहुत कम मिलते हैं, लाखों में एक आध होगा। फिर आप मनन करिए कि चारों तरफ के अंधकार से हम कैसे उजाले में आए, कैसे सक्सेस हो। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे व्यवसायिक लाइफ हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वहाँ पर परेशानी में फंसे हो, या किसी लीडरशिप में हैं, जितने बड़े लेवल में होंगे परेशानियाँ आपकी उतनी बड़ी होंगी, और जितने छोटे लेवल में होंगे परेशानियाँ उतनी छोटी होंगी। तो जब भी चारों तरफ से संकट से आप घिर जाएं, यहाँ पर अंधेरे से मेरा लेना है जब चारों तरफ संकट आ जाए, ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए। इसमें दो तीन एग्जाम्पल हम तुमको बताने जा रहे हैं, उन एग्जाम्पलों पर आप फॉलो करें जिससे आपका मनोबल ऊंचा होगा और आप अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां छुएंगे, अंधेरे से उजाला में आ जाएंगे आप। एक बार क्या है, ये सच्ची घटना है, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं, ये जब स्टूडेंट लाइफ में थे, गरीब परिवार से थे, कोई बहुत बड़े अमीर नहीं थे लेकिन प्रतिभावान थे। तो जैसे सारे बच्चे जॉब के लिए भटकते हैं, वैसे अब्दुल कलाम भी जॉब के लिए भटक रहे थे। इनका एक दोस्त भी था, चांस की बात क्लर्क का जॉब निकला, अब्दुल कलाम और इनका दोस्त दोनों उस जॉब का इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे, तो इनके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, अब्दुल कलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब्दुल कलाम अंदर से टूट गए कि देखिए, दोस्त हमसे कम नॉलेज वाला था, उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब्दुल कलाम का कोई थर्ड दोस्त था, उसने अब्दुल कलाम को समझाया, कहा कि हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ और लिखा हो। अब्दुल कलाम अपने दोस्त की बात को मान गए और फिर से अपने वर्क में ईमानदारी के साथ जुट गए। परिणाम आपके सामने है, देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन कहलाए, और उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। और अगर जो वो क्लर्क में इनका सिलेक्शन हो जाता तो क्या ये देश के राष्ट्रपति बनते, प्रेसिडेंट बनते, क्या मिसाइल मैन कहलाते? तो शायद ऐसा इनके जीवन में नहीं हो पाता। तो ऊपर वाला जो करता है बहुत सोच समझ के करता। एक दूसरा एग्जाम्पल लाइफ में आप देखते हैं, जब सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट मैच टीम के हिस्सा नहीं थे, रणजी वगैरह ट्रॉफी खेलते थे, उस समय कोई प्लेयर था, वो खूब चौवा छक्का मारा, नेशनल मैच इंटरनेशनल मैच देखने गए थे और खूब तालियां बजाई,
और अपने गुरु से कहा कि सर उस प्लेयर ने आज खूब चौवा छक्का मारा और बहुत मजा आई। तो इनके गुरु सचिन तेंदुलकर के तेंदुलकर से एक झापड़ मारा और उन्होंने कहा आपको तालियां बजानी नहीं है, आपको पूरे संसार से तालियां बजवानी है। और वही काम सचिन तेंदुलकर ने किया, हम सब ने किया। जब चौवा छक्के की बौछार करते थे सचिन तो हम तालियां बजाते थे। यही काम आपको भी करना है, क्षेत्र कोई भी हो। अगर जो आप टॉप पर पहुंचोगे ईमानदारी के बल पे, तो निश्चित रूप से सक्सेस होगे। और सचिन तेंदुलकर का एक बात और कहना था, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कितने सारे मैच मैंने खेले, हर मैच को हम पहला मैच समझ करके मैदान में उतरते थे, क्योंकि हर मैच में नई बॉल होगी तो आपको नया मैच समझ करके खेलना चाहिए और पूरी जान झोंकनी चाहिए। जहां पर इतना वर्क के प्रति कोई डिवोटेड होगा तो ऊंचाइयां तो छुएगा ही। तीसरा एग्जाम, आपने हथौड़ा देखा है इतना बड़ा होता है और ताले की चाबी देखा है छोटी सी होती है। एक बार हथौड़े ने कहा चाबी से, तुम छोटी हो करके भी ताला खोल लेती हो और हम बड़े हो करके भी ताला नहीं खोल पा रहे हैं। तो चाबी ने जानते हो क्या जवाब दिया, कहा कि तुम बाहर से वार करते हो, हम अंदर से वार करते हैं, और जो भी वार अंदर से होगा, अंतरात्मा से होगा, उसकी चोट भयंकर होती है, इसलिए ताले खुल जाते हैं और चाबी का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चाबी बनो, हथौड़ा नहीं, अंतरात्मा से वार करो, ईमानदारी से वार करो। क्षेत्र कोई भी हो, जरूर आप अंधेरे से उजाले में आ जाएंगे और सफलता की रास्ता पर आप चल दीजिए और ऊंचाइयों की उड़ान भर लीजिए। इसलिए जब कभी भी संकट आए, घबराना नहीं है। संकट के समय अग्नि परीक्षा होती है, उस परीक्षा में हमको पास होना चाहिए, उस समय धैर्य का परिचय देना चाहिए। 99% चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो राजनेता हो, अपने धैर्य को खो देते हैं। तो अगर सफलता मिलने वाली भी होती है तो हम सफल नहीं हो पाते। तो जब भी एबनॉर्मल कंडीशन आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, तो आप अपने धैर्य का परिचय दें और एकांत में बैठ करके सोचें कि हम इस घोर अंधेरे से कैसे उजाले की तरफ जाएं। अगर ईमानदारी से, अंतरात्मा से प्रश्न करोगे तो एक रास्ता नहीं, अंतरात्मा से आपके दिमाग में बहुत सारे रास्ते आ जाएंगे। और चल दीजिए उन रास्तों पर, अंधेरा छट जाएगा और उजाले में आप आ जाएंगे। और हम आपकी जो भी इच्छा है, चाहे स्टूडेंट लाइफ है या व्यवसायिक है या गवर्नमेंट जॉब में है, आपकी उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओके।